जय हिंद साथियों। साथियों एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑल इन वन पॉइंट में। साथियों देखिए, हम हैं अभी BTSC यानी कि बिहार तकनीकी सेवा आयोग के ऑफिशियल साइट पर हैं। दोस्तों दोस्तों यहाँ के जो है, अभी हाल ही में एक अपडेट आई थी कि 7 अगस्त को जो है इनका सुनवाई होगा। दोस्तों उस डेट को यहाँ पे जो है केस को जो है 1/2019 केस का जो अपडेट है दोस्तों, उसी के लेकर यहाँ पे एक जबरदस्त अपडेट आई है। दोस्तों सुनवाई कल होने वाली थी लेकिन आज ही अपडेट ये दे दिया गया है। चलिए दोस्तों हमारे साथ बने रहिए, और भी कोई क्वेरी रहती है तो जरूर कमेंट कीजिएगा। दोस्तों ये एक तरह से कहा जाए तो आप लोग के लिए बहुत अच्छी अपडेट है, और ये उन कैंडिडेट के लिए है जो कैंडिडेट जो है लगभग 4 साल से आज स्ट्रगल कर रहे हैं, उनके लिए एक अच्छी खबर है यहाँ पे, जो कि यहाँ पे जो है बिहार तकनीकी सेवा के तरफ से आया है। तो चलिए साथी हमारे साथ बने रहिए, लेकिन दोस्तों आप लोग से गुजारिश है कि जरूर 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 चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। अपडेट जो है बिहार तकनीकी सेवा आयोग, चाहे कोई भी एग्जाम से रिलेटेड आपका जो हो दोस्तों, आपको हर एक तरह का अपडेट इस चैनल के माध्यम से मिल जाती है। तो आप लोग जरूर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके रखिएगा। तो चलिए साथी हमारे साथ बने रहिए। दोस्तों आप देख सकते हैं ये जो है ऑफिशियल अपडेट है जो कि सुप्रीम कोर्ट के तरफ से आया हुआ है, रिकॉर्ड इन प्रोग्रेस यहाँ पे लिखा गया है। दोस्तों पिटीशन ऑफ द स्पेशल लेवल टू अपील इतना किया गया है, जो कि आपका ऑर्डर यहाँ पे दिया गया है, जिसमें दोस्तों आप देख सकते हैं ये जो है पार्टिसिपेटर है आपका शशिभूषण प्रसाद सिंह, देख सकते हैं पेनिसेटर है, और रिस्पोंडेंट है आपका स्टेट ऑफ बिहार गवर्नमेंट। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये जो है केस का जो ब्यौरा दिया गया है, जिसमें भूपेन्ना और सुरेंद्रा सब जो है ऑनरेबल जस्टिस सब दिया गया है, जो कि कोरम किया गया है, और पेटेंसिएटर भी इस सब को लिया गया है। आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों ये रिस्पॉन्सिबिलिटी भी यहाँ पे दिया गया कि हम इसके साक्षी हैं, हम इस केस को जो है आगे बढ़ाएंगे। आप देख सकते हैं ये जो है अपलोड हायरिंग इन ऑर्डर, लेकिन दोस्तों ये लिस्ट जो है 12/9/2023 यानी कि कल जो है दिन के 12 बजे जो है आप लोग का एक ऑफिशियल अपडेट आ जाएगी, कस केस के सुनवाई को लेकर शाम तक में जो अपडेट आएगी। दोस्तों आप लोग के लिए बहुत अच्छी यहाँ पर अपडेट है, क्योंकि ये जो है बिहार के जो गवर्नमेंट है ये इस मामला को बहुत ज़्यादा आगे बढ़ाने चाहते हैं। तो चलिए साथियों इसके साथ और भी एक अपडेट है, हम इसके बारे में यहाँ पर जानते हैं। और दोस्तों ये जो अपडेट है ये कल सुनवाई होगा इसके बारे में, ये तो कोर्स का अपडेट है, चलिए हम बताते हैं आपको। आप यहाँ पर देख सकते हैं साथियों ये बिहार तकनीकी सेवा आयोग के ऑफिशियल साइट पर जो है ये दिया गया है, आप देख सकते हैं केस नंबर अब दिया गया बिहार तकनीकी सेवा आयोग पर, दिनांक भी आप देख सकते हैं 10/8/2023 का दिया गया है। सामान्य प्रशासन विभाग पत्रांक 1847/18/10/2022 के अनुसार यहाँ पे विभागीय डायरी के संबंध में उन्होंने बताया है कि उपयुक्त विषय के प्रशासनिक पत्र के संबंध में सूचित करना है कि विज्ञापन 1/2019 कनीय अभियंता और सैनिक यांत्रिक विद्युत की नियुक्ति प्रक्रिया दिनांक 25/1 से उच्च स्तरीय बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार जो है माननीय उच्च न्यायालय पटना के द्वारा जो है इसको यहाँ पे कैंसिल कर दिया गया था। अब यहाँ पे देख सकते हैं पारित न्यायालय का आलोक में रद्द कर दिया गया था, किंतु माननीय उच्च न्यायालय के अपील दायर किया गया है सर्वोच्च न्यायालय में, सुप्रीम कोर्ट में, जिसकी सुनवाई यहाँ पे जो है आपको 12 यानी कि कल आप लोग का होने वाला है। दोस्तों ये नोटिस बार बार जो है ऑफिशियल साइट पर यहाँ पे आते रहता है, ये आप देख सकते हैं जो कि बिहार तकनीकी सेवा आयोग ऑफिशियल साइट पे है। अब दोस्तों डिसीजन क्या होगा ये आपको कल पता चल जाएगा, लेकिन दोस्तों डिसीजन आपके ही हक में होगा, ये बात आप ध्यान में रखिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट है, ये चाहेंगे तो स्टे भी लगा सकते हैं, ये चाहेंगे तो इनको रद्द भी कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों ये जो है मामला को अब कल नहीं बढ़ने दिया जाएगा, कल आप लोग का अपडेट आ जाएगा। और दोस्तों आप लोग खुशखबरी के लिए तैयार रहिए, क्योंकि आप लोग का ही हित में 2019 के ही रिक्रूटमेंट को जो है यहाँ पे रखा जाएगा, क्योंकि ये निर्णय ज़्यादातर क्योंकि 7/8 को जो बात हुई थी दोस्तों, उसमें जो है आप लोग का यही बात को लेकर ज़्यादा बहस छिड़ गया था, जिसके वजह से उनको पेंडिंग करना पड़ा, लेकिन 12 को उनका फाइनल अपडेट आ जाएगा जो कि कल है। तो दोस्तों आप लोग को ये बहुत अच्छी अपडेट यहाँ पर BTSC की तरफ से आने वाली है, तो आप लोग जरूर जो है अपडेट के लिए हमारे चैनल पर बने रहिएगा, कल देखिए क्या अपडेट आती है। दोस्तों ये ऑफिशियल अपडेट है, मैं कोई अपडेट नहीं बनाता हूँ, ये बात आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसमें डेट भी मेंशन है, आप यहाँ पे देख सकते हैं 10/8/2023 को यहाँ पे दिया गया है, और ये डेट मैं खुद नहीं बनाता हूँ, ये बात आप ध्यान में रखिएगा, ये डेट जो है आप लोग का ऑफिशियल साइट पर दिया गया है, इसलिए मैं आप लोग को ये सोचा कि अपडेट कर दूँ।
दोस्तों बीटीएससी का और कोई भी एग्जाम का पल पल अपडेट इस चैनल के माध्यम से मिलते हैं, तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा।